अपने लिए। We are honored to have with us the book to this program. Best to be among the best. Thank you, appreciation हमें मिल रही है. Having, I mean to say, some workers who are working and his work, Mr. is also doing. इस दूर तक वो करें. इसका मैंने आपसे यही काम करूंगा मोहम्मद हुसैन साहब से. आर डिस्ट्रिक्ट न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन में खड़ा होता है जो फर्स्ट इनिशिएटिव लिया है एजाज साहब के करिए लेफ्ट ओवर राइट एक गांठ बन गया लेफ्ट ओवर राइट ये लेफ्ट अंदर जाएगा राइट यहां जाएगा कीजिए बंद किया खींच दिया इसको क्रॉस करना है उंगली की डायरेक्शन में जो ये वाला एंड इससे क्रॉस करना है अगर हम एक एक करके डालें देखो क्रॉस इसको हम ट्राई करके ऐसे एक ऐसे ऊपर ले रहे इंदा कौन कहती है ऐसे इस तरीके से उन्होंने उसे दूर तक ऐसे लिफ्ट चलिए थैंक यू आपकी प्रसूत बहुत अच्छी गांधरबल के रिया साहब के लिए जोरदार तालियां सभी के लिए एजाज अहमद तांत्रे एजाज तांत्रे जिलानी है यहाँ पे तो आ जाए रईस अहमद शाह है डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंज्यूमर जी आज यहाँ पर जो है गांधरबल मीडिया गिल्ड की तरफ से आज यहाँ पर डिजास्टर प्रिपेयरनेस प्रोग्राम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पर आज इसका इनकार किया गया इसमें ये कहा गया कि जो मीडिया पर्सन है अगर किसी जगह कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ पर पहले ही मीडिया जो मीडिया पर्सन है वो पहुँच जाती है अगर उनके पास कोई इक्विपमेंट्स होगी या वो उनको कोई जानकारी होगी तो उन्हें भी वहाँ पर जो है बचाव कार्रवाई में जुड़ जाना चाहिए दिन का प्रोग्राम आज गांधरबल मीडिया गिल्ड के साथ के इश्तराक के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट और SDRF ने ऑर्गेनाइज किया था जिसमें यहाँ के गांधरबल के जो मीडिया पर्सनल है कुछ सोशल वर्कर्स हैं कुछ वॉलंटियर्स हैं इनको डिजास्टर प्रिपेयरनेस की ट्रेनिंग दी गई जिसमें सर्च एंड रेस्क्यू फायर फाइटिंग और फर्स्ट एड के बारे में बताया गया क्योंकि हमारा ये मानना है जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है चाहे वो डिजास्टर हो या कोई एक्सीडेंट हो तो मीडिया वाले सबसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं और ये बहुत ज़रूरी है मीडिया के लिए समझ लेना कि अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और अगर ऐसी सिचुएशन में कहाँ फंस जाए तो लोगों को कैसे बचा सकते हैं एक रोज़ा प्रोग्राम हमने मीडिया पर्सन वॉलंटियर्स और दूसरे सोशल एक्टिविस्ट के लिए यहाँ टाउन हॉल गांधरबल में मुनाकिद किया था इस प्रोग्राम का जो मकसद है बुनियादी मकसद यही है कि आप सबको जिस तरह से पता है कि एक मीडिया वाला चाहे कोई भी हो चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हो किसी भी हादसाती जगह पर किसी भी इंसिडेंट जहां पे होता है इमरजेंसी अराइज होती है वहां पे सबसे पहले लोग जो पहुंचते हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक आदमी जो होता है वो मीडिया वाला ही होता है और मीडिया वाला वहां पे एज फर्स्ट रेस्पॉन्डेंट जब पहुंचता है हमने ये प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया था कि इन मीडिया वालों को डिजास्टर प्रिपेयरनेस की जो है खुसूसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि जब भी ये किसी जगह पे ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे इमरजेंसी अराइज हो वहां पर ये एक मीडिया वाला अपने पेशावराना फराइज अंजाम देते देते किसी की जान भी बचा सके तो अहम जो मकसद इस प्रोग्राम का था वो सिर्फ इतना ही था कि एक मीडिया वाला उस लायक बने कि वो जहां पे भी जाए इमरजेंसी सिचुएशंस को कवर करने के लिए वहां पे रिपोर्टिंग के साथ साथ अपनी जान को किस तरह से महफूज करे और अपने अलावा दीगर जो लोग वहां पे हैं मुसीबत में फंसे हुए हैं उन मुसीबत ज्यादा लोगों की मदद किस तरह की जाएगी।